डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू ठीक है अकॉर्डिंग टू पार्टनर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बेटा कोई भी चीज हो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन कहागुलेशन है वो कहाँ पर मैंशन है वो मैंशन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू में मतलब इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू गवर्न कर रहा है पार्टनरशिप को मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है पार्टनरशिप को कैसे चलाना है ये सब हमें कहां से पता लगता है Indian partnership Act 1932. तो बेटा बेटा के के में 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 पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी गई है आइए देखते हैं वो डेफिनेशन कौन सी दी गई है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन है ना पार्टनरशिप क्या है जैसे कि मैंने अभी बताया वो एक रिलेशन होता है वो एक रिलेशनशिप होती है पार्टनर्स के बीच में हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस उन लोगों के बीच में रिलेशनशिप होती है ये जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो बिजनेस जो चलाएंगे उसमें जो भी प्रॉफिट्स होगा उसे वो क्या करेंगे उनके में शेयर करेंगे अब ये जो पर्सन होते हैं फ्रेंड्स भी हो सकते हैं मतलब पार्टनरशिप हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हैं पार्टनरशिप हम अपने सिबलिंग्स uh, के साथ भी कर सकते हैं मतलब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ भी कर सकते हैं ठीक है सो पार्टनरशिप बेटा एक रिलेशनशिप होता है उन लोगों में जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो जो भी बिजनेस चलाने वाले हैं उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो लोग प्रॉफिट्स को उनमें क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वो बिजनेस कैसा होगा बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल ये लाइन बहुत अच्छे से समझनी है बेटा ऑन ऑन बाय बाय ऑल 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 और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर बिजनेस मींस हो सकता है जैसे मान लो ए बी एंड सी पार्टनर्स हैं ये ए बी एंड सी नाम है पार्टनर्स के ये तीन पर्सन ने डिसाइड किया कि हम लोग बिजनेस करेंगे और बिजनेस से जो भी प्रॉफिट्स आएगा वो हम अपने में बांट लेंगे ठीक है तो हो सकता है ये तीनों के तीनों बिजनेस को चलाने में प्रॉपर पार्टिसिपेट कर रहे हो मतलब बिजनेस जो चलाया जाएगा वो इन तीनों के द्वारा चलाया जाएगा और हो सकता है कि बी ने सिर्फ कैपिटल लगाई है बी ने सिर्फ पैसा लगाया है और बी बिजनेस को चलाने में हेल्प नहीं करेगा बिजनेस को चलाने में सिर्फ ए एंड सी ही पार्टिसिपेट करेंगे है ना तो यहाँ पे एक्ट कौन कर रहा है ए एंड सी बी इज नॉट एक्टिंग राइट तो यहाँ पे ए एंड सी बिजनेस को चला रहे हैं लेकिन हाँ बी ने सिर्फ क्या लगा रखी है कैपिटल लगा रखी है क्योंकि वो पार्टनर है पार्टनर है तो उसके साथ प्रॉफिट भी शेयर होगा और लॉस भी शेयर होगा सो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि जितने भी पार्टनर्स पार्टनर्स कंपनी बिजनेस के सॉरी जितने भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के वो सारे के सारे क्या करेंगे बेटा सारे के सारे प्रॉफिट्स को प्रॉफिट uh, को तो शेयर करेंगे सारे के सारे वो बिजनेस को चलाएंगे ऐसा नहीं है बिजनेस की पार्टिसिपेशन में हो सकता है एक ही पार्टनर हो या हो सकता है सिर्फ दो पार्टनर्स हो आउट ऑफ थ्री तो ऐसे भी देखा जा सकता है So any of them acting for all.